तो भैया ये यूपी शाहजहाँपुर से है, तो यहाँ तक की चढ़ाई कैसी रही? बहुत कठिन, बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, केदारनाथ से भी ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि आज मेरे को निकलना है मसूरी से धनौल्टी के लिए। और तो यार जल्दी उठना पड़ा, सुबह 7 बजे उठ गया था और 8 बजे तक मैं हो चुका हूँ रेडी। और अब मेरे को यहाँ से निकलना है 15 मिनट में, मैं तो आ चुका हूँ अपने हॉस्टल की टेरिस पे। तो सोचा यार आप लोगों को टेरिस भी दिखा देता हूँ, और यहाँ से जो व्यू आता है यार वो भी बहुत अच्छा आता है। और टेरिस पे ही बनी हुई है यहाँ कैंटीन, तो हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये है हमारे हॉस्टल का टेरिस, और यहाँ बैठकर आप इंजॉय कर सकते हैं नाइट में, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ मज़ा आने वाला है टेरेस पे। और जो यार व्यू आता है ना टेरेस का, वो बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारे टेरेस से व्यू दिखता है वो ये दिखता है भाई, देखो पूरी मसूरी का यार व्यू आता है, बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा आपको। मैंने जो हॉस्टल लिया था ये लाइब्रेरी चौक के पास ही लिया था, और ये एक्चुअली डॉर्म सिस्टम है। एक रूम में आपको 6 बेड मिलेंगे, और यार रूम में आते ही पूरा खुशबूदार सा रूम आपको देखने को मिलेगा। बोला यार खुशबू को तो हम कैमरे में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बाकी रूम देख सकते हो यार कितना प्यारा रूम है। तो यहाँ पर आपको 6 बेड मिलने वाले हैं, देख सकते हो 2 बेड आपको ऊपर नीचे इस साइड मिलने वाले हैं, 2 यहाँ मिलने वाले हैं, और 2 सामने आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक पिलो मिलने वाला है, एक ब्लैंकेट मिलने वाली है, और एक चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है, और रीडिंग लैंप मिलने वाला है। और बाकी देख सकते हो यार रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको 6 लॉकर भी मिलने वाले हैं। तो चलते हैं यार वॉशरूम, देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है। तो देख सकते हो ये जो वॉशरूम है बहुत ही बड़ा वॉशरूम मिलने वाला है यहाँ पर, और नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलने वाला है, गीजर मिलने वाला है, और एक मिरर मिलने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं, मैंने हॉस्टल में स्टे किया था, इसका नाम है अल्टवर, जो कि लाइब्रेरी चौक से 200 से 300 मीटर जब आप अंदर आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर नाइट का देना पड़ सकता है 600 से 700 रुपए, और मेरे को तो इस टाइम लगा है 800 रुपए, क्योंकि सीजन का टाइम चल रहा है और मैं आया था वीकेंड में, तो भाई 800 रुपए पर नाइट के हिसाब से देना पड़ा। बाकी आप यहाँ से व्यू देख सकते हो यार कि व्यू कितना प्यारा है। तो भाई यार व्यू चेक कर सकते हो, बहुत ही लाजवाब व्यू मिलने वाला है आपको। तो आज मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ धनौल्टी, तो स्कूटी अपनी तैयार खड़ी है, और ये है यार एक्सेस, जो कि यार बहुत ही दमदार गाड़ी है। मैं 3 दिन से इसको चला रहा हूँ, और मतलब यार पहाड़ों में बिल्कुल भी पिकअप डाउन नहीं होता है, और बहुत अच्छा इसका पिकअप है, और सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, तो हेलमेट भी ज़रूरी है। तो हेलमेट लगाते हैं और निकलते हैं धनौल्टी के लिए। मसूरी से सुबह लगभग 9 बजे मैं अपने होटल से मसूरी की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकल गया धनौल्टी के लिए। तो मैं मसूरी के उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां से एक रास्ता डाइवर्ट होता है धनौल्टी के लिए, और 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं देहरादून के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, और मेरी जो स्कूटी है वो मेरे पीछे खड़ी है जस्ट, तो आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो एक ये नीचे का रास्ता जा रहा है ये भी जा रहा है देहरादून के लिए, शायद आपको सामने साइन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और एक रास्ता उस साइड जा रहा है वो भी जा रहा है देहरादून के लिए, और एक रास्ता इस साइड जा रहा है ये जा रहा है मसूरी के लिए, और यहीं से एक ऊपर रास्ता जा रहा है ये जाता है धनौल्टी के लिए। तो चलते हैं धनौल्टी। तो देख सकते हो आप लोगों को दिख रहा है ऊपर, जो यहाँ से धनौल्टी है वो है 30 किलोमीटर, और रास्ता देख सकते हो यार कितना प्यारा रास्ता है, बहुत अच्छा यहाँ रास्ते पे व्यू मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं धनौल्टी की इस ट्रिप में आपको धनौल्टी में तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको देखने को मिलता है वो इस रोड ट्रिप का यार व्यू देखने को मिलता है, जो कि मसूरी से लेकर धनौल्टी तक इतना प्यारा रोड ट्रिप का व्यू देखने को मिलता है भाई, वो आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। और वैसे तो आप ये ट्रिप वाई टैक्सी या वाई बस भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मज़ा आने वाला है स्कूटी या फिर बाइक से, वो आपको टैक्सी या बस से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देख सकते हो यार भाई मेरे पीछे कितना प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरी रोड ट्रिप में आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। धनौल्टी आप बाई बस या वाई टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, पर इस रोड ट्रिप का असली मज़ा वाई बाइक या स्कूटी से ही आता है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में जब गर्माहट भरी धूप का सामना होता है तो बस स्कूटी में ब्रेक लगाकर इन वादियों में खो जाने का दिल करता है। अभी तक की इस रोड ट्रिप में रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और हल्की हल्की सी धूप थी। वैसे अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको मसूरी से धनौल्टी 100 रुपये में पहुंचा देती है। तो
मसूरी से धनवल्टी के इस रोड ट्रिप पर आपको एक पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पेट्रोल डलवा सकते हैं। मैंने इसमें पेट्रोल फिल करवा लिया है 250 रुपये का, और आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं। अभी मैं रुका हूँ वुरांस खंडा में। बेसिकली उत्तराखंड में वुरांस एक फ्लावर होता है जिसका जूस यहाँ के लोग पीते हैं। फिलहाल मैं हूँ वुरांस खंडा में, और ये जो आप हिमालयन रेंज देख रहे हो ना, पूरी माउंटेन्स की रेंज है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं ऑन द रॉक्स, जो कि धनवल्टी में पड़ता है, और यहां पर आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज मैंने पता किया है तो बोल रहे हैं 2500 से लेके 3000-4000 तक हैं, वो सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। और यहां पर आप बर्मा ब्रिज भी कर सकते हैं जो कि जस्ट सामने है, उसका चार्ज 250 रुपये है, और जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं, उसका चार्ज भी 250 रुपये है, और बाकी आप यहां पर फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। और जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो हिमालयन रेंज है, जिस पर बर्फ़ दिख रही है अभी तक, वो सारी हिमालयन रेंज है, और ये सारी कैंपिंग है। मसूरी से लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं धनवल्टी पहुंच गया। ये है सुरकंडा देवी टेंपल का मुख्य द्वार, और यहां से मंदिर तक आप पैदल भी जा सकते हैं और बाय रोपवे भी जा सकते हैं। तो यार देखते हैं, पहले रोपवे का टिकट काउंटर ऊपर है तो उसका भी टिकट प्राइस पता करते हैं कितने का है। और यहीं पर आपको छोटा सा यहाँ का मुख्य बाज़ार मिल जाएगा जहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये है यहाँ का मेन बाज़ार, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं रोपवे टिकट काउंटर पर। ये सामने है रोपवे का टिकट काउंटर, यहां से आप टिकट लेके जा सकते हैं और बाय रोपवे, और ये रास्ता जाता है पैदल वालों के लिए। भैया टिकट कितने का है यहां का? जी 205 रुपये। 205 अप डाउन। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 8:30 से 5 बजे। सरकुंडा देवी टेम्पल की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, इसीलिए मंदिर तक पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। मैंने इस रास्ते पे ले लिया शॉर्टकट, जिसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। और इस रास्ते पर चलते समय पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके चलें, क्योंकि इस ट्रैक पर आपको 1-2 दुकानें ही देखने को मिलेंगी। अगर आपके साथ एजड लोग आ रहे हैं तो आप कोशिश करें उनको बाय रोपवे ही लेके जाएं, क्योंकि सुरकंडा माता देवी की जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी हुई है, तो इसीलिए बाय रोपवे ही लेके जाएं। तो भाई हम नीचे से आ चुके हैं मंदिर तक, और मंदिर जो है वो जस्ट हमारे पीछे ही है, मतलब 5 मिनट में हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ भाई मिले हैं मेरे को। भाई आप लोग कहाँ से हो? शाहजहाँपुर। तो भैया ये यूपी शाहजहाँपुर से हैं, तो यहाँ तक की चढ़ाई कैसी रही? बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, केदारनाथ से भी ज़्यादा। मतलब यार एकदम सीधी चढ़ाई है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और बल्कि केदारनाथ हम जाते हैं तो सीधी चढ़ाई नहीं है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीधी चढ़ाई है। देख सकते हो हम लोग आए हैं उस जगह से, वहाँ नीचे से, मतलब और एकदम चढ़ाई है यार। और अब तो आ चुके हैं मंदिर के पास, मंदिर है वो जस्ट हमारे सामने ही है, तो पहुँचते हैं 5 मिनट में मंदिर। तो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मंदिर तक, और ये है हमारे पीछे सूर्य स्टैंड, तो यहाँ पर निकालते हैं सूर्य और फिर चलते हैं ऊपर। ऊपर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। यहां की कुछ कहानी भी है, जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तो उनका सर था वो यहां पर गिर गया था, और तब से यहां का नाम माता सुरकंडा देवी टेंपल है। ये है सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ तक आने के लिए आपको या तो चढ़ाई करनी पड़ती है 1.5 किलोमीटर की, या फिर यहाँ तक आप रोपवे के द्वारा भी आ सकते हैं। और ये है पूरा मंदिर परिसर, देख सकते हो कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, और यहाँ आकर आपको दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ आप दर्शन तो कर ही सकते हैं, और दर्शन के साथ साथ यहाँ से आपको जो व्यू देखने को मिलेगा वो बहुत ही प्यारा देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो मतलब पूरी यार वैली का व्यू देखने को मिलेगा, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और देख सकते हो आप यहाँ से हिमालयन रेंज के भी व्यू देखने को मिलेगा। और ये चल रही है हमारी रोपवे, अगर आप आना चाहते हैं तो रोपवे से भी आ सकते हैं, वरना आप पैदल का रास्ता भी है, काफ़ी लोग आ रहे हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। और दर्शन तो यार हो चुके हैं, दर्शन जो हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हुए हैं, और मैं आ चुका हूँ अपनी स्कूटी के पास,
और मेरे को उतरने में जो टाइम लगा है वो भाई मैं 15 मिनट में उतर के आ गया, क्योंकि मैंने शॉर्टकट मारे हैं, मैं रास्ते से नहीं आया हूँ। और अगर आप रास्ते से आते हैं तो आपको 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो ये खड़ी है मेरी स्कूटी और लगाते हैं चाबी और निकलते हैं मसूरी के लिए। सुरकंडा देवी के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ धनवल्टी के इको पार्क में, और यहाँ मैंने टिकट ले ली है जो पड़ी है 50 रुपये पर पर्सन। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ये है इको पार्क। तो चलते हैं हम अंदर। इको पार्क में ज़्यादातर देवदार के पेड़ हैं और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए 50 रुपये यहाँ के लिए वर्थफुल नहीं है, पर कुछ फ़ोटो आप यहाँ पर ज़रूर क्लिक करवा सकते हैं। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ इको पार्क के टॉप पर, और मैं आप लोगों को बता दूँ वैसे इको पार्क में इतना कुछ तो नहीं है, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कुछ झूले मिल जाएंगे। और आपको इस पार्क में ज़्यादातर देवदार के पेड़ ही देखने को मिलेंगे जो कि जस्ट मेरे पीछे है। और मैं तो ये बोलूँगा कि 50 रुपये का जो टिकट है वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने को, बस एक चीज़ देखने को है वो है व्यू, वो तो आप कहीं से भी देख सकते हो। और अगर आप मसूरी से धनवल्टी का ट्रिप कर रहे हैं तो वो तो आप रोड से भी देख सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम टॉप पर और देख सकते हो ये व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो इतना प्यारा व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस पार्क में और तो कुछ नहीं है। इस पार्क में आपको एक बर्मा ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा जो कि जस्ट मेरे पीछे है, आप लोग देख सकते हो। और ये इस टाइम बंद चल रहा है पता नहीं क्यों, और वो जो इसकी एंट्री फीस है वो है 100 रुपये, शायद आप लोगों को दिख रही हो। बाकी इस पार्क में यार इतना कुछ खास तो नहीं है, ओनली देवदार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। धनवल्टी का इको पार्क तो मैंने घूम लिया, इसमें इतना कुछ खास नहीं है घूमने के लिए, ओनली आपको देवदार के पेड़ ही देखने को मिलेंगे। और अब टाइम हो चुका है 3:30, और अब हमारे यहाँ से मसूरी निकलने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि मसूरी पहुँचने में समथिंग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और अभी टाइम 3:30 हो चुका है, तो हम निकलते हैं मसूरी के लिए। अगर आप भी आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि 3:30 बजे तक धनवल्टी से मसूरी के लिए निकल जाएँ। धनवल्टी से घंटे का रास्ता कवर करने के बाद मैं आ चुका हूँ कफलानी, और यार काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी तो मैंने सोचा यार क्यों ना चाय पी ली जाए। तो यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा होटल दिखाई दिया, मैंने यहाँ अपनी स्कूटी साइड में लगा दी और यहाँ मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया। और यहाँ से जो मसूरी बची है वो बची है 8 से 9 किलोमीटर, मतलब 15 से 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा मसूरी। तो यार चाय तो अपनी आ चुकी है, और चाय का जो कप है वो भी काफ़ी बड़ा है, और 15 रुपये की ये चाय है, तो करते हैं टेस्ट। और यह चाय का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप आ रहे हैं इस रूट पर तो देख सकते हो ये होटल है, काफ़ी प्यारा सा होटल है, तो आप यहाँ पे आके कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, और चाय तो एक बार ज़रूर टेस्ट करें। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो आने वाले हैं धनवल्टी। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।